7 January 2021, the day when I posted my first YouTube video. 3, 2, 1, and here my video is live. Do watch it. Welcome back to my channel. Today my first vlog is getting uploaded. पर उसके पहले देखते हैं मेरा first real vlog, थोड़ा rewind जाते हैं. मैंने ये व्लॉग कभी अपलोड नहीं किया. लोग क्या सोचेंगे इस डर से. टुडे इज माय फर्स्ट डे ऑफ माय कॉलेज. आई मीन नॉट अ कॉलेज. म्यूजिक. पर हिम्मत जुटा के मैंने मेरा फर्स्ट व्लॉग अपलोड किया, जिसका टॉपिक रिएक्टिंग टू माय चाइल्डहुड शिमला मेमोरीज था. I love the way I'm posing to it and look at my goggles. पर एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये व्लॉग मैंने मेरे फैमिली को भी बताया नहीं. I didn't tell anyone about this. I mean my friends or my family members. सिर्फ मैंने मेरे सिस्टर को बताया क्योंकि उसकी एक छोटी सी क्लिप है वहाँ पे एंड शी वाज लाइक यू आर व्हाई आर यू ट्रोलिंग मी. फिर मैंने रूपारेल कॉलेज का एक व्लॉग बनाया और उसे मेरे रिलेटिव फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर किया. मैं अपने 12th के कॉलेज में आई हूँ एंड इट फील्स सो गुड टू बी हियर आफ्टर सो मेनी ईयर्स. आई मीन ऑलमोस्ट अ ईयर. अपनी यादें जुड़ी है इस प्लेस से. पढ़ाई तो कुछ की नहीं है मैंने, बस यादें बनाई हैं यहाँ पे. कुछ लोगों को मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया और कुछ लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया. मैंने मेरा चैनल स्टार्ट किया था व्लॉग्स और फैशन रिलेटेड वीडियोस. पर मुझे फैशन रिलेटेड वीडियोस में इतना ज़्यादा कनेक्शन महसूस नहीं हो रहा था. फिर आया मेरा फर्स्ट ट्रैवल व्लॉग साउथ गोवा एंड नॉर्थ गोवा, जिसे बनाने में मुझे बेहद मज़ा आया और जो मोस्ट व्यूड वीडियो ऑफ माय चैनल बना. हियर वी आर टू द पालोलिम बीच. इट इज नॉट सो क्राउडेड ओवर हियर. हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल. आफ्टर 3 hours ऑफ ट्रैफिक वी हैव फाइनली रीच्ड द बागा बीच. अब मुझे समझ आ चुका था कि ट्रैवल और लाइफस्टाइल व्लॉग्स करने में मुझे बहुत मज़ा आता है और बहुत कनेक्शन फील होता है. तब जाके मैंने मेरा फर्स्ट ट्रैवल कम एडवेंचर व्लॉग शूट किया. मैंने चैनल पे लाइफस्टाइल व्लॉग अपलोड करना भी चालू किया. हर वक्त ऐसा लगता था कि मैं और बेटर कर सकती हूँ और बेटर कर सकती हूँ, पर मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था पब्लिक में ब्लॉग करना. आज भी नहीं है उतना ज़्यादा, पर आज का बस यही नहीं, मैंने मेरा लाइफस्टाइल ब्लॉग इन मराठी लैंग्वेज भी अपलोड किया. लिया है. मोस्ट ऑफ जण असं बोलतात की अरे गावावरून काही अंड नाही, आंबा नाही, फणस नाही, काजू नाही, तर आमचं इथे काही वेगळं शेत किंवा अशी बाग नाही आहे हे, तर ते विचारणं जरा बंद करा की तू काय आणलंस गावावरून. आज तक व्लॉगिंग का सबसे फेवरेट पार्ट ट्रॅव्हलिंग आहे. उससे एक कनेक्शन जो फील होता है और बहुत कुछ सीखने मिलता है. ये मेरे लाइफ का सबसे यादगार साल है. इस साल ने मुझे बहुत कुछ दिया.
मेरे यूट्यूब चैनल के पहले अचीवमेंट्स इसी साल ने मुझे दिए। मतलब 3-4 वीक्स पहले वी हैव क्रॉस्ड 300 सब्सक्राइबर्स, ऑल्सो वी हैव क्रॉस्ड 5000 व्यूज एंड 250 आवर्स वॉच टाइम इन द प्रीवियस मंथ्स। टुडे वी हैव कंप्लीटेड 1000 वॉच आवर ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसे यहां तक कि मेरा पहला आईफोन भी इसी साल में आया। सो दिस इज माय ब्रांड न्यू एप्पल 11 आईफोन। आईफोन तो मुझे पिछले 3 सालों से चाहिए था, पर आज वो सिर्फ और सिर्फ व्लॉगिंग के वजह से मुझे मिला है। और मैं इस मोमेंट के लिए 3 साल रुकी हूँ और फाइनली मेरे हाथ में अभी वो फ़ोन आ चुका है और मुझे इतना ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि मैं क्या बताऊँ। और वीडियो के बीच में तो मैं रो भी रही थी, मेरे खुशी के आंसू एकदम कंट्रोल नहीं हो पाए मुझसे। व्लॉग्स के वजह से मैं बहुत लोगों से करीब आ चुकी हूँ, मेरे दोस्त। 45 मिनट्स के बाद ये मैडम आ चुकी है और इसकी हर साल की आदत। मेरे क्लोथ अलग है ना इनसे, हम लोग के भी अलग है। कंट्रोवर्सी करो मत अब। मेरी फैमिली अवसर पे आप मुझे क्या गिफ्ट देने वाले हो? कुछ दे दो, आशीर्वाद दूंगा। सस्ते में निपटा रहे ये तो। हाँ, शान लगता है। फिर घर आने के बाद बोलती है अरे सनस्क्रीन लगाया फिर भी इधर भी टैन है, इधर टैन 2 बार करो तो निकल जाएगा। हाँ, कुछ क्या है? सेम किया है ये रहा मेरा भाई। तो आज के दिन का यही है एडवांटेज कि बहनों की बहुत ज्यादा कमाई होती है और कुछ नहीं भाई लोग कंगाल हो जाते हैं। तो तुझे क्या चाहिए आज? जो तू गिफ्ट करेगी वो। तो बहुत बड़ा दिल है इसका। और सबसे इम्पोर्टेंट मेरी मम्मी। एक वक्त था जब ये बोलती थी क्या रखा है ब्लॉगिंग शॉगिंग में, पढ़ाई पे ध्यान दे। डांटती तो ये आज भी है, पर ये आज मेरे साथ व्लॉग्स भी करती है। इससे बड़े खुशी मेरे लिए और कुछ नहीं है। वो थर्ड वर्ड है जो कि एकदम इंटरेस्टिंग है, वन। इस 1 साल की जर्नी में बहुत बार लगा छोड़ दो व्लॉगिंग, नहीं हो पाएगी मुझसे, बहुत रीटेक्स लिए। मेरा मेन मोटिव व्लॉगिंग का यही है कि मैं मेरे डेली मोमेंट्स, मेरे स्पेशल मोमेंट्स आपके साथ शेयर कर पाऊँ। पर इट्स बेटर कि आप ये मजाक सीरियसली लो, इट्स बेटर कि आप ये मजाक सीरियसली लो, पर इट्स बेटर अगर बहुत व्लॉग्स एडिट करके भी अपलोड नहीं किए। पर मैंने कभी गिव अप नहीं किया। मुझे पता है 1 साल होने के बाद भी मेरे चैनल पे आज सिर्फ 559 सब्सक्राइबर्स हैं। देखो गाइस, तुम लोग भले 500 हो या 5000, बट जितने भी हो मेरे दिल के सबसे करीब हो। इसीलिए फर्स्ट ब्लॉग से लेकर आज के 37th ब्लॉग तक बहुत ज़्यादा सीखने मिला है एंड आज ब्लॉग्स मेरे लाइफ का सबसे बड़ा पार्ट है। इसीलिए आज इस दिन पर मैं आप सारे 559 सब्सक्राइबर्स को मेरे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप लोगों की वजह से मैंने कभी गिव अप नहीं किया और आज आप ही के वजह से मैं मेरा पैशन भी फॉलो कर पा रही हूँ और मेरी एक छोटी सी पर सबसे प्यारी यूट्यूब फैमिली बन चुकी है। सो चीयर्स टू 1 ईयर ऑफ आई यूट्यूब चैनल एंड 1 ईयर ऑफ व्लॉगिंग। अ बिग थैंक यू टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स फॉर बींग कंसिस्टेंट ऑन माई चैनल एंड फॉर नेवर गिविंग अप ऑन मी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फॉर ट्रस्टिंग मी। आई एम नथिंग विदाउट यू गाइज। Thank you so much guys. So that's it for this video guys. I hope you guys enjoyed watching my video. Don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. Also follow me on Instagram as well if you're not following me there. And I'll see you guys in the next vlog. Bye guys. Bye.